हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही आप मेरा मेकअप लुक देख रहे हो जो कि मैंने लैक्मे 925 CC क्रीम से कंप्लीट किया है बिगनर्स के लिए। अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है और आपको मेकअप नहीं करना आता, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपको मेकअप करना है, आप ज़्यादा मेकअप में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, क्विक सा प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना। और आज मैं इस वीडियो में आपको मेकअप ट्यूटोरियल भी करके दिखाऊंगी और एक लैक्मे 925 CC क्रीम का रिव्यू भी करने वाली हूँ और एक मेकअप ट्यूटोरियल भी करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो देखना शुरू करते हैं। ये है लैक्मे 925 CC क्रीम, जो कि ये इसकी ट्यूब है और ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, जो कि ट्यूब कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आती है। ब्लैक कलर से इस पर मेंशन किया हुआ, पिंक कलर का ये बॉक्स है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अट्रैक्टिव है। लैक्मे 925 CC क्रीम इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। ब्राउन्स जो मेरा शेड है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर 4 शेड हैं। ब्राउन्स मेरा शेड है जो कि डस्की स्किन वालों के लिए है और ऑल इन वन है। ये इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट है, यानी कि काफ़ी जल्दी असर दिखा देता है एकदम ये। और SPF 30 PA++ है इसके अंदर। आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इन वन ये इसीलिए है। और ये है इसकी ट्यूब, जो कि नॉर्मल ट्यूब जो होती हैं क्रीम की वैसी ही है। बट जो भी सब जो भी बॉक्स के ऊपर मेंशन किया है वो इस ट्यूब के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपका बॉक्स खो जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब बॉक्स ट्यूब के अंदर ऊपर मेंशन किया हुआ है एक्सपायरी डेट और प्राइस, सब कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब चीज़। तो टेंशन फ्री हो जाओ, आप बॉक्स को फेंक दीजिए अगर आप नहीं रखना चाहते तो भीड़ भाड़। इस तरीके से ट्यूब है, जो कि इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकलता है बाहर। और 325 रुपीज़ की मेरे पास बड़ी पैकेजिंग है। मैं इसको यूज़ करती हूँ नॉर्मली, तो इसलिए मेरे पास बड़ी पैकेजिंग है। अगर आप पहली बार यूज़ करना चाहते हो, एक ट्राई कर लेना चाहते हो ट्राईबॉल, तो आपको 99 रुपीज़ की ये लोकल मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप लेना चाहते हो तो मैं इन ऑनलाइन परचेज लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेंशन कर यानी कि चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो। ये था मेरा क्विक सा रिव्यू। अब हम इससे एक मेकअप करते हैं, बहुत ही क्विक सा, बहुत ही प्यारा सा। तो चलो मेकअप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले ये मॉइस्चराइज़र जो मेरे पास ये लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र था, मैंने डॉटेड करके अपने फेस पे लगा लिया था। उसके बाद मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए, पर अगर ड्राई स्किन है आपकी तो आप इसे यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। पर समर में, जैसे कि अब समर आ चुके हैं, तो समर में बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और टोन स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद प्राइमर मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, जो कि हमारा जो मेकअप है उसको इक्वली लगाने में अच्छा, लॉन्ग स्टे करने के लिए और हमारे क्रैकेज ना हमारे फेस पे आए उसके लिए बहुत ही अच्छा। ये एक हमारे बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसका मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को मेरे चैनल पे। और ये मैंने डॉटेड करके पूरे फेस पे क्रीम लगा ली है, जो कि हमारा मेन हीरो है आज लैक्मे 925 CC क्रीम, जो कि मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से लगाई है अपने पूरे फेस पर। मैंने यहाँ पर कोई ब्यूटी ब्लेंडर का या किसी भी स्पंज का या किसी भी ब्रश का हेल्प नहीं ली है, मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ही किया है। बहुत ही बिगनर्स हो, अगर आप शादी, मैंने आपको बताया आपकी नई शादी हुई है, बिगनर्स हो, मेकअप करना नहीं आता, तो बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लग सकते हो। मैंने इसको कंसीलर की तरह भी अपनी आईलिड पर अच्छा सा बेस दिया है, अपने आईब्रोज़ के आसपास इसको लगाया है, उसको क्लीन आउट किया है और लिप्स के आसपास जो एरिया था ना, ब्लैकनेस जो दिखती है वहाँ पर भी इसको दोबारा लगाया है एक दूसरा कोट, जो कि मेरा सब इक्वली यानी कि हो गया है और काफ़ी अच्छा यानी कि कवर हो गया है सब कुछ। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसने कवर अप कर लिया है सब कुछ। और कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं उसको अच्छे से पहले, जहाँ हम अपने आईज़ मेकअप करेंगे तो उससे पहले सेट कर रही हूँ, जो कि क्रैक्स ना आए मेरी आईज़ पर। और इसके बाद ये मेरे पास SFR का एक पैलेट है, जिसमें से मैं 2 कलर ये लूँगी, सिर्फ 2 शेडो। एक बेबी पिंक है ये, थोड़ा शिमरी है, और ये है मैट पर्पल। तो आज इन 2 कलर से हम अपना आईज़ मेकअप करेंगे, बहुत ही इजी सिंपल सा मेकअप होने वाला है। तो ये फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर अपनी आईलिड पर सबसे पहले ये जो मैट कलर था हमारा पर्पल, मैं उसको अपनी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही स्लो मोशन में मैंने किया था, लेकिन थोड़ा फास्ट करना पड़ा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ये बहुत ही अच्छा एक आईज मेकअप है, आप बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद फ्लैट ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश पर मैंने यहाँ पर ये जो हमारा बेबी शाइनी या सिमरी जो कलर था वो ले लिया है,
और उसे अपनी आईलिड पर फिर मैंने प्लेस किया है आई शेडो, मैट आई शेडो लगाने के बाद, जो पर्पल मैट आई शेडो था उसके बाद बेबी शिमरी आई शेडो लगाया है, वो बहुत ही देख सकते हो आप बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही शाइनी लग रहा है, और सिर्फ दो कलर से आप इतना प्यारा एक आई मेकअप या आई लुक पा सकते हो, बहुत ही क्यूट सा। और उसी ब्रश से मैंने जो हमारा शिमरी यानी कि जो था हमारा पिंक बेबी पिंक शेडो, उसको मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को और मेरी आईब्रोज के आसपास का जो एरिया था उसको हाइड कर लिया। और अब ये एंगल ब्रश की हेल्प से मेरे पास मिस रोज़ का जेल आईलाइनर है ब्राउन कलर का, जिससे अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। और ये दो आते हैं जेल आईलाइनर, दो कंटेनर आते हैं एक बॉक्स में, ब्लैक और ब्राउन। तो ब्राउन से मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ और ब्लैक से अपना आईलाइनर और काजल दोनों अप्लाई करूँगी। और जो इसके साथ ब्रश आते हैं ना वो छोटे छोटे से होते हैं, तो इस वजह से मैं अपनी जो मेरे पास ब्रश है आईब्रोज फिल करने का, मैं उससे ही अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ अपने पास से। और एक स्पूली की हेल्प से मैं उसको स्मच कर दूँगी अच्छे से सारे प्रोडक्ट को, जो कि इक्वली लग जाएँ। तो दोनों आईब्रोज मेरी फिल हो गई हैं। उसके बाद ये ब्लैक कलर के जेल आईलाइनर से मैं अपना लाइनर लगा रही हूँ इस तरीके से, देख सकते हो आप ब्रश बहुत छोटा सा है। अगर आप बिगनर्स हो तो इस ब्रश से आप लाइनर बहुत अच्छा लगा सकते हो, क्योंकि ये छोटा है और आप इसको कंट्रोल कर पाओगे बहुत अच्छे से। ये बेनिफिट या एक फ़ायदा है आप लोगों के लिए। और इसी से मैं काजल भी लगा रही हूँ, बहुत ही इजी सिंपल सा हमारा ये मेकअप है। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये भी SFR का मेरे पास एक पैलेट है जिसमें हाइलाइटर कॉन्टोर ब्रॉन्जर और ब्लशर है। अगर आप बिगनर हो तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये 175 रुपीज़ का है, ज़्यादा यानी कि महंगा भी नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से इसको यानी कि ले सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। इसमें से मैं जो मेरा कॉन्टोर का ब्राउन शेड है, ब्राउन कलर है, मैं उससे अपनी जो मेरी काजल है मैं उसको थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ, और अपनी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से यानी कि स्मची ब्रश की हेल्प से वो कलर लेके, और अपने मस्कारा लगा के। मैं फेक आईलेसेस नहीं लगा रहे हैं, हम थोड़ा बिगनर्स मेकअप कर रहे हैं तो फेक आईलेसेस नहीं लगा रहे हैं, और मुझे फेक आईलेसेस लगानी आती भी नहीं है इतनी खास, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। चाहो तो आप लगा भी सकते हो। तो ये हमारा आईज मेकअप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से लैक्मे एब्सोल्युटली कुछ ऐसे ही करके नाम है इसका, लैक्मे का एक कॉम्पैक्ट पाउडर, जिससे मैं अपना मेकअप यानी कि पूरा उसको स्टे कर रही हूँ बेस को कंप्लीट, यानी कि जो मैट लुक देता है, बहुत ही अच्छा एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है। अभी डोम शेप का ब्रश है मेरे पास, जिसकी हेल्प से मैं इसमें से इस पैलेट में से जो मैंने इससे फर्क आपको पैलेट भी दिखाया था, उसमें से कॉन्टोर लेकर और मैं अपने चिक्स को अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ, नोज भी कॉन्टोर करूँगी और अपना चिक एरिया भी अच्छे से कॉन्टोर करूँगी तरीके से, आप देख सकते हो। और अपना फोरहेड एरिया जहाँ जहाँ आपको कॉन्टोर आपको फेस अपना करना हो वहाँ से कॉन्टोर कर सकते हो। इसी पैलेट में मैं हाइलाइटर लेके फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी नोज एरिया, अपना बोन एरिया, अपना फोरहेड और अपनी लिप्स, अपनी चिन, उन सबको अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है अपने फेस को, और मुझे हाईलाइटर लगाना बहुत ही पसंद है। तो इस तरीके से अपने फेस को मैंने हाईलाइट कर लिया है। और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसी पैलेट में से, ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, सब चीज़ें आपको इसी पैलेट में मिल जाएंगी, और इसी पैलेट में से मैं ब्लशर लेके हल्का हल्का से पहले अपने फेस पे ब्लश लगाया था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं थोड़ा सा दोबारा यानी कि इसको अप्लाई किया है। तो पहले आप थोड़ा अमाउंट ही लो ब्रश पे, फिर दोबारा लो, तो इस तरीके से आप ज़्यादा ब्लश नहीं लगाओगे। और उसके बाद मेरे पास ये ADS की लिप लाइनर थी पिंक शेड में, और ये मेरे पास हुडा की लिपस्टिक है, ये मेरे पास चेरी, इसको ये कुछ कलर तो मुझे इसका याद नहीं है बट लेकिन बहुत अच्छा कलर है ये, देख सकते हो आप। और ये लिपस्टिक लग के तैयार है। और अब बिंदी हम, तो फाइनल मेकअप हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। और साड़ी के ही कलर की मैंने बिंदी लगाई है और लिपस्टिक हमारी कितनी प्यारी लग रही है। इस तरीके से मेकअप कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है। और इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है ना कमेंट करना, आंसर जरूर मिलेगा। और ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट करना, टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।